नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इंडियन सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव की मच अवेटेड फिल्म हिट दी फर्स्ट केस 15 जुलाई को यानी कि आपसे ठीक दो दिनों बाद रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इस फिल्म की जो लिमिटेड एडवांस बुकिंग है वो शुरू की जा चुकी है। तो वहीं दोस्तों कल से पूरे देश भर में इस फिल्म की पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में फिल्म हिट दी फर्स्ट केस की एडवांस बुकिंग को काफी लेट स्टार्ट किया गया है। ये फिल्म दोस्तों एक एक्शन थ्रिलर कॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें कि दोस्तों हमें राजकुमार राव के साथ साथ सान्या मल्होत्रा लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में हमें शानू कुमार, दलिप्ता हिल, मिलिंद गुनाजी, शिल्पा शुक्ला और संजय नार्वेकर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन किया है डॉक्टर शैलेश कोलानू ने, जो इससे पहले साल 2020 में आई ओरिजिनल तेलुगु फिल्म हिट दी फर्स्ट केस का डायरेक्शन कर चुके हैं। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिल राजू, कृष्ण कुमार, कुलदीप राठौर और भूषण कुमार ने दिल राजू प्रोडक्शंस और टी सीरीज के बैनर तले। इस फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग्स को काफी ज्यादा पसंद ऑडियंस की तरफ से किया गया था और अब ये फिल्म दोस्तों 15 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पे तापसी पन्नू स्टार फिल्म शाबाश मिथू से क्लैश के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों शाबाश मिथू का बज काफी ज्यादा कम है जिसका फायदा हिट दी फर्स्ट केस को मिल सकता है और ये फिल्म शानदार ओपनिंग अपने पहले दिन हासिल कर सकती है। इस फिल्म को लगभग 20 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है और ये फिल्म 15 जुलाई को भारत भर में लगभग 1300 से 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी, जहां पे ये फिल्म अपने पहले ही दिन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन हासिल कर सकती है। तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन का कलेक्शन वो 4.5 से 5 करोड़ रुपए का रह सकता है और यदि फिल्म को अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिलती है तो इस फिल्म के कलेक्शंस में सैटरडे और संडे को जबरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। वैसे दोस्तों राजकुमार राव की फिल्म हिट दी फर्स्ट केस को लेकर आप भी एक्साइटेड है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।